नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भक्ति, प्रतिबद्धता और शांतिपूर्ण माहौल के बीच जिला प्रशासन और रौरकेला स्टील प्लांट द्वारा गांधी जयंती का पालन। आरएसपी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन विभाग में सृजनी मेला आयोजित। और रौरकेला स्टील प्लांट के ठेका श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम दक्ष आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा एवं शांति की राह दिखाई, उनकी 150वीं जयंती रौरकेला में 2 अक्टूबर को भक्ति, प्रतिबद्धता एवं शांतिपूर्ण माहौल के बीच पालन किया गया। इस दिवस के उपलक्ष्य में सिविक सेंटर में रौरकेला जिला प्रशासन एवं रौरकेला स्टील प्लांट द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। भजन गायन, सर्वधर्म समन्वय के मंत्रोच्चारण एवं महात्मा गांधी की जीवनी की महत्वपूर्ण सीख की संस्मरण ने इस अवसर को स्मरणीय बना दिया। रौरकेला के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज, दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा और महाप्रबंधक इंटरनल ऑडिट श्रीमती राका चटराज, आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निर्देशक वर्क श्री गौतम बैनर्जी, महाप्रबंधक प्रभारी परियोजना श्री अतनु भौमिक, निर्देशक प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर एसएस पति, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, दीपिका महिला संगति की सभी उपाध्यक्षाएं श्रीमती सुमन लता, श्रीमती अनुराधा बैनर्जी एवं श्रीमती मीनाक्षी महापात्र, आरएसपी के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और इस्पात शहर के अन्य प्रख्यात नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थे। समारोह का प्रारंभ प्रख्यात गायिका श्रीमती आशालता सरंगी एवं सिंहारी कला निकेतन के कलाकारों द्वारा महात्मा गांधी की प्रिय भजन वैष्णव जंतो की सुमधुर प्रस्तुति के साथ हुई। एक सर्वधर्म सद्भावना सभा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था। श्री गुरु सिंह सभा रौरकेला के सदस्यों द्वारा पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ भाग, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च हमीरपुर के एक ग्रुप द्वारा पवित्र बाइबल के कुछ पदांश, इस्पात अंजुमन सेक्टर 15 के एक ग्रुप द्वारा पवित्र कुरान और चिन्मय विद्यालय सेक्टर 7 के विद्यार्थियों द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंशों का पाठ इस कार्यक्रम में शामिल थे। समारोह का समापन बापू के प्रिय रामधुन के सामूहिक गायन से हुआ। उपस्थित सभी लोगों ने बापूजी के प्रिय रामधुन को भी उच्चारा। श्री डी के महापात्र श्री राजबीर सिंह और श्री गौतम बैनर्जी ने उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में स्वच्छता संकल्प दिलाया। सवेरे बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने महात्मा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक लंबी मानव चेन बनाया, जिसमें स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने और सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात दर्शाई गई। सीईओ ने छात्रों के साथ बातचीत की और उनसे प्लास्टिक के उपयोग को वर्जित करने और खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से बंद करने का आग्रह किया। गणमान्यों ने फूड कोर्ट आमबागान के पास एक सफाई अभियान में भी भाग लिया। इस अवसर पर श्री चटराज ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में विस्तार से बताया और कहा कैसे हर व्यक्ति महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित स्वच्छ भारत को अंजाम देने के लिए अपना योगदान दे सकता है। श्रीमती राका चटराज ने के नेतृत्व में दीपिका महिला संगति के उपाध्यक्षाओं और अन्य महिलाओं ने अंबागान बाजार में जाकर दुकानदारों और ग्राहकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग बंद करने के लिए अनुरोध किया। इस अवसर पर आईजीएच के रक्त आधान केंद्र में एक रक्तदान शिविर भी आयोजित की गई। श्री राजवीर सिंह, श्री गौतम बैनर्जी, श्री डी के महापात्र, डॉक्टर एसएस पति एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण इस अवसर पर उपस्थित थे। इस मौके पर श्री राजवीर सिंह मुख्य
महाप्रबंधक सीओए और सीसी श्री विश्वजीत पटनायक सहित आईजीएच के नर्स प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों और आम जनता ने रक्तदान किया। अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला के सम्मेलन कक्ष में 27 सितंबर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के कर्मचारियों को अपने संबंधित क्षेत्र से सृजनशील सुझाव देने के लिए प्रेरित करने हेतु एक सृजनी मेला आयोजित किया गया। महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री एस चक्रवर्ती ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक पीडी श्री एम के भास्करन, वरिष्ठ प्रबंधक आईईडी तथा सृजनी नोडल अधिकारी श्री बी के बेहरा एवं विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के दौरान 150 से अधिक सुझाव प्राप्त किए गए। प्रत्येक सुझावकर्ता को एक एक प्रतीक उपहार प्रदान किया गया। श्री बेहरा ने विभाग में सृजनी सृजनशील योजना की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उप महाप्रबंधक पीडी श्री आर के शाह ने समारोह का संचालन किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक पीडी श्री आर आर कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सितंबर के माह में रौरकेला स्टील प्लांट में कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम दक्ष के तहत 3 कार्यक्रम एचआरडीसी में आयोजित किए गए, जिसमें 56 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। इसमें प्लेट मिल के ठेका श्रमिकों के लिए ठहराया गया विशेष सत्र भी शामिल है। एचआरडीसी में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ठेका श्रमिकों को सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक कराना और उनके कौशल को विकसित करना था। कार्यक्रम के दौरान सामान्य सुरक्षा और आरएसपी के लिए आरएसपी में कार्य विषय पर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं का विकास, पारस्परिक संबंध, अनुशासन, कार्य परिस्थिति, एसओपी, एसएमपी, दलगत कार्य, कल्याणकारी सुविधाएं और विभिन्न प्रेरक योजनाएं जैसे विषयों को शामिल किया गया। उप महाप्रबंधक एचआरडी श्री एच पति के देखरेख में वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर एचआरडी श्री एच सी पंडा द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के पहले छिमाही में लगभग 250 ठेका श्रमिक इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए हैं। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।